आज इतिहास नगर विज्ञान क्लास को समस्त को स्वागत। आज आम इतिहास विषय पढ़वा तो पिला माने तुम्हें पूर्व क्लास रे जहाँ पढ़ीच ता परवर्ती विषय गुड़िक आम पढ़वा। पूर्व क्लास रे आम जो पढ़ीला कि आम इतिहास कहीं पढ़ूँ तापर आम पढ़ीला कि से माने बा आगकाल लोक मैंने किपर नदीकूलिया अंचल बसवास करुले आउ आम इतिहास बहु पुराणा बा प्राचीन काल जिनस गुड़िक केमी जानवाक पाइबा से विषय में कि ज्ञान लाभ कर तो आज आम से आम कहीं इतिहास पढ़ूर से प्रथम पॉइंट आउ थ आलोचना करदे तो से प्रथम पॉइंट कौन थी ए सृष्टि को आम भल पाऊ तेणु प्रत्येक इतिहास जानवाक चाहूँ ए सृष्टि को आम भल पाऊ तो फास्ट पॉइंट से कण रही ए सृष्टि को आम भल पाऊ नहीं तो प्रत्येक इतिहास जानवाक चाहूँ फास्ट पॉइंट तो आम देखी एवं आम फर्स्ट पॉइंट जहाँ थी आम पढ़ा सेकेंड पॉइंट पढ़वा कण प्रत्येक वस्तुर इतिहास प्रत्येक वस्तुर इतिहास तार विवर्तन और सृष्टि उत्स तथा तार विवर्तन सृष्टि उत्स तथा उद्देश्य को सृष्टि उत्स तथा उद्देश्य को बुझिबा निहाती आवश्यक पड़े तो प्रत्येक वस्तुर इतिहास तार विवर्तन और सृष्टि उत्स तथा उद्देश्य को बुझा निहाती आवश्यक पड़े तो पिला माने इटा होची आम कहीं इतिहास पढ़ूर दुई नंबर पॉइंट तो मनीष सब कण चाहसी कि अधिक रु अधिक से अग्रगति करवार लगी इच्छा प्रकाश करसी नहीं बात जेनसी गुण अच्छे आम भितर विभिन्न कला विभिन्न रही जेनता कि नाच गीत आउ खेल कूद इत्यादि तो मनीष से सब क्या चाहसी केमती आउ टे आगे बढ़ता आउ टे आगे बढ़ता से सब आम के विकसित होसी आम विभिन्न जगह के आमर से कलार जब प्रदर्शन ना करमा तो से सबू के भी प्रकाशित हो नपे से गुड़िक कण हो
लुप्त भावे सेटा रही जीवा नहीं तो जहाँ किछि ताहा पाखरे अछि कहाँ पाखे मनीष पाखे से ताहा आउ केमती हेबा सेथिर लागि मनीष सबेले व्याकुल होई उर्सीबा सेटा आउ केमती बढ़वा तार आउ अग्रगति हेबा सेथिर लागि से सबेले चेष्टा कसि जेतकी भी पैसी बेसी दिन ताहा आउ से आनंददायक होकर ना रहे सेटा केमती आउ तार बढ़वा तार विकसित हवा सेटा से सबेले चेष्टा करछि जेनता कि अमर खेल नाच गीत विज्ञान साहित्य है सब क्षेत्र रे से मनीष कण हो बर्तमान आगे चलीचे से पचके देखवार लगे आम के नाच सब क्या चाहसुँ आगे देखवार लगे आम सब इच्छा प्रकाश करदेसु नहीं क्रिकेट खेल जेन्ता खेलाड़ी मैंने किन मैंने आम जाचु सचिन तेंदुलकर गावस्कर आउ महेन्द्र सिंह धोनी किंबा कपिल देव इमाने कण सब जिते भी क्रिकेट खेल कि आम गोटे मैच खेलीदेलु आगे ना खेलु सेनु जीतीगलु आगे ना खेलु बोली के चाहन से स्टेट लेवल तापर नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल से आउ के आगे बढ़े आर ना ध्वनि उड़ी बसवा से लगे से सब चेष्टा कर तो इतिहास से आम क्या जानचु पछर कथा सागे सागे आमको आगे भी ध्यान देवार के पड़ुचे नहीं तो से माने सर्वदा चाहती पूर्व रेकर्ड इतिहास को भांगी नुआ इतिहास सृष्टि करवार लगे सेमती से आगे गति करेंगे बांकर से ही रेकर्डटा भांगी करी से माने आगे अग्रगति करेंगे से माने से दिगरे ही सब चेष्टा कर खाली से माने क्या कर बाकी समस्ते जे जेन क्षेत्र थे किए कला क्षेत्र में किए साहित्य क्षेत्र में तो से जिते कविता भी लिखवा से कविता गुड़िक जदि प्रशंसार पात्र है मान्यता पाईला तो सी आउ भल भल कविता लिखवार लगे तार मन इच्छा जाग्रत हो आसी आम विभिन्न स्थान के जाकर कण पुरस्कार पाइले आम मन आग्रह आउटे बढ़ी आसी तो मुई नेक्स्ट टाइम आउ टे भल से पार्टिसिपेट जदि करमी पार्टिसिपेट करके आउ टे जदि भल प्रदर्शन करमी बेले कण है मोर प्रदर्शनी जदि भल है से जगानु मत भल से सेनु पुरस्कृत कर मोर कलार विकसित सेनु हवा नहीं तो सेन्ता दर्शन शास्त्र रे जेन माने थिले महावीर गौतम बुद्ध विवेकानंद हला इमाने तांकर जीवन जिज्ञासा बा भगवत ज्ञान को परवर्ती अवतार भावे से माने ग्रहण कर देछन आउ श्री अरविंद मध्ये रहिछन जे कि अधिक सूक्ष्मतर ज्ञान रो प्रकाश करी नुआ इतिहास रचना करिछनती ने तो केन माने जेंता कि विवेकानंद रहिछन तो विवेकानंद का कहछन से गोटे जगार जाकर बहुत समय देकर से ध्यानरत मध्य आ समुद्र पारि करी चली मध्य आसी विवेकानंद का गोटे खास गुण थी से बही के एंता सोच उल्टेदेले से बही के एंता उल्टेदेले से जहाँ थी से भर मन अनुटा रही होता से गोटे गुण ने आउ महावीर गौतम बुद्ध इमाने भितर जिते ज्ञान थिला आउ दिव्य ज्ञान से किसी प्राप्त करें कण तर से ज्ञान के चारिदिगे विस्तार करवर से लगिगले ना कि भितर खाली से ज्ञानटा सीमित होगा ये सब से ना चाहिए जहाद्वारा कि यहाँ बौद्ध धर्म जैन धर्म विभिन्न जगह के गले आमको देखवार लगी मिलूचे तो से ही गुण गुड़िक विकसित करवान से लग पड़ते नहीं बुझीगला इतक नेक्स्ट अच्छे तुम ओलंपिक खेल में मनीष तार दक्षता को अधिक रु अधिक परिप्रकाश कर पूर्व इतिहास के से भांगी दौचे से गोटे तार एग्जाम्पल देचे तीन नंबर पॉइंट हूँ पे तुम आम आम निज प्रतिजोगिता कर अग्रगति करने को चाहूँ आम निज संगे आम कंपिटिशन करें आउ आगे बढ़वार लगे इच्छा करसुँ नुआ इतिहास रचना करने को चाहूँ तो तीन नंबर पॉइंट कण आम आम निज प्रतिजोगिता कर आमे आम तो पिलामे पढ़ू पाठ नाटा आम मेनसन करदेमा इतिहास कौन कहीं किपर आते बेले नहीं पाठ नाटा लिखी देता हूँ
तो इतने तीन नंबर पॉइंट कौन है आम आम निज सह प्रतियोगिता करने को चाहू नहीं आउ नुआ इतिहास रचना करने को चाहूँ आमे आम निज सह प्रतियोगिता करने को चाहूँ नुआ इतिहास रचना करने को चाहूँ तो आमे आम निज सागे के प्रतियोगिता करुचु ने आमे आपणई आमर जीवन आदर्श इतिहास पढ़ा निहाती आवश्यक जदि आम भविष्य के देखु ता सागे सागे आमको कौन अतीत के मध्य देखा जरूरी जदि अतीत विषय में ना जानते आम भविष्य विषय में जिते जान ले आमको कम पड़ा आम ज्ञान सेटा परिपूर्णता पाई ना पारे नहीं इटा आम तीन नंबर कारण है कि आम आम निज सह प्रतियोगिता करी अग्रगति करिवार लागु चाहौछो ता संगे संगे इनु विभिन्न प्रकार आमर जीवन आदर्श भी जुड़ी अच्छे आमर पिला दिनर कथा बा बहुत महापुरुष माने जेन भी रहितिले से माने तांकर जीवन नो केनता संघर्ष करी करी बहुत आगे बढ़ीचन से माने बहुत अभाव असुविधा सहित लड़े करी से माने तांकर जीवन नु बहुत किछि हासिल करी पाइछन बा पाई पारिछन ने तो केनता पाइछन से माने उठे मधुबाबू थिले तो मधुबाबू से केनते पाठ पढ़ुले स्ट्रीट लाइट तले बसिक पाठ पढ़ुले आतु से पढ़ी है भूक उपास दिने दिने चलवार के पढ़ुवा पढ़ुला आमती पाठ पढ़ी कण लक्ष्य स्थल से पहुँची पारिछन तर मेहनत बल से बहुत परिश्रम करद्वारा कि से तांकर लक्ष्य स्थल में पहुँचीछन आउ समाज उन्नति लगी मध्य से किछि किछि करी भी जाइछन आउ से मधुबारी स्थल नानु आमे तांकु जानबार लगे पाइछु ने तो से बीम गुटे भल वकील टे हे करी देखे देइछन आउ से गरीब मानकर साहाज्य सेनु बहुत भल भावे सेनु करूथिले तो तांकर जीवन आदर्श नु आमे बहुत किछि सिखबार लगे पाउछु कि से किंथे लोकंकर साहाज्य मध्य करूथिले बुझिला तो तांकु आमे काना मधुबारिष्टर बोली जानबार लगे पाइछु ने चतुर्थ तो कण आमे जानिबा को चाहूँ आम चार नंबर पॉइंट कण आम जानिबा को चाहूँ आमे आमे जानिबा को चाहूँ ने चार नंबर पॉइंट हूँ आम जानबार लगे चाहू तो बर्तमान प्रत्येक दृश्य बहीर मलाट परी सदृश बा आमको जेन जिनस गुड़ाक भी देखार लगे मिलूचे से सब गुड़िक आम बर्तमान आम भविष्य केमती उज्ज्वलमय हवा आम से प्रति सब चेष्टा करमा वर्तमान को बुझापी अनुभव करने इतिहास को पढ़ा को पड़े बा कल्पना करवार लगे पड़से वर्तमान आम जेन जिनस मैंने भी देखु जानूचु है जिनस आगु के केन जगह नुई के या सब प्रश्न गुड़ी आम मनरे कण आईसी उंकी मारीसी तो आम बर्तमान जिनस भविष्य के सीता तुलना करमको कण जानबार लगे इच्छा आसी आम अतीत नुसीगुड़िकता करूला अतीत रेटा के ये सब विषय आमको जानबार लगे इच्छा लगी आउ इतिहास बिना वर्तमान ज्ञान फंपा खोलटीए मात्र परिपूर्ण ज्ञान नुहे इतिहास बिना कण
ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ଫମ୍ପା ଖୋଲଟିଏ ମାତ୍ର ତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ଇତିହାସ ବା ଅତୀତ ବିଷୟରେ ନେଇ ଜାଣିଲା ବେଲେ ଏହାନି ଆମେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଆମକୁ ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାଇଁ ରହେ ନାଇଁ କେନା ନାଇଁ ଜାଣିଲେ। ଆମର ଅତୀତର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯଦି ଜାଣି ନାଇଁ ପାରିଲା ବେଲେ ତା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ରହିଛି କି ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ ଯେନ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଧୀରେ 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 ବଡ଼ ହେଇଥିଲେ ଆସି ତାର୍ ପରେ କାଣା ଆସି ତାର୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିସି। ସେ ପ୍ରଥମ ତ ଅନୁକରଣ କରିବାରଟା ଆରମ୍ଭ କରିନିଦିସିନ ଅନୁକରଣ କରିକରି ସେ ଶିକ୍ଷା ବା କେନ୍ଥି କିଏ ତା ଟିକିନିଖି ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାରଟା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିନିଦିସିନ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିସି ନାଇଁ। ଆଉ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସେ ବହୁତଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିସି କି ତୁମେ କାହିଁ ଯାଉଛ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଏଟା କଲେ କାଣା ହେବା ଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନମାନେ ରହିଥିସି। ତ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ପାରୁଛେ ମୁଇଁ କାଁ ହେଲେ ଉଡ଼ି ନା ପାର୍ବାର୍ ଇ ପ୍ରଶ୍ନମାନେ ଏନ୍ତା ରହିଯାଇଥିସି ଯେନ୍ଟାକି ମଣିଷ ନିଜେ ଦେବାରଟା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିସି। ତ ଏହି ଜିଜ୍ଞାସା ଭାବ ଖାଲି ଶିଶୁର ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଜାତିର ସେ ଶିଶୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଣିଷର ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଛେ କି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ କେନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଗଛ କେନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆମେ ଘର କେନ୍ତା ତିଆରି କଲା ଘର ତିଆରି କଲେ କେନ୍ କେନ୍ ଜିନିଷ ଲାଗୁଛି ତ ଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କେନୁ ଫେରି ଆସିଛି ଇ ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ଆମର କାଣା ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ନୁ ରହିଯାଇଥିସି ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଜାଣବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଥିସୁ। ଆହୁରି ଅତ୍କା ଜନ୍ମା ଆହୁରି ଅତ୍କା ଜନ୍ମା ଇସବୁ ଆମର ମନେ କାଣା ରହିଯାଇଥିସି ସେଟା ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଭାବେ ରହିଯାଇଛେ। ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖବର ପାଇପାରୁଛୁ କାଣା ହେଲା କେନ୍ ଜାଗାନୁ କିଛି ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜାଣବାର୍ ଲାଗି ସେଟା ଚାହିଁଥିସୁଁ ନା। ତ ଘରେ ବସିଥିବ ତ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିକରି ଯଦି କହିଲେ ହଁ ସେ ଜାଗାନୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତ ଆମେ ଆହୁରି ଜାଣବାର୍କେ ଚାହିଁସୁ ସେନୁ କିଏ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ତାର କେନ୍ତା ହେଇଛି ବା ସେ କେନ୍ ଗାଁ ଥିଲା କେନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଥିଲା ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜାଣବାର୍ ଲାଗି ସେନୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଯାଇଥିସି। ତ ସେସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଯାଇକିରି ଆମର ମନର ସାନ୍ତ୍ୱନାଟା ସେନୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିସି ନାଇଁ। ସାନ ଠାରୁ ବଡ଼ ସବୁ ମଣିଷ ଥରୁଟିଏ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମର କଥା କେତେବେଳେ ବି ସମାପ୍ତ ନା ହୁଏ ଯେନ୍ତାକି କାହା ସାଙ୍ଗେ ଘର ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଥା ଯେନ୍ତା ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛେ ତା ସାଙ୍ଗେ ସେଇଟା ସମତୁଲ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ସେହି ପୁରୁଣା କଥାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉ ପଛେ ମଣିଷ ଅନ୍ୟକୁ ଜାଣିବ ଜଣାଇବ ଏହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେ ନାହିଁ ତା ବିରାମ ନେନ ନାଇଁ। କେତେକ ପରମ୍ପରାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ କେତେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ବା ଆଗରୁ ଥିଲା ସେଟା ପରେ ପରେ ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ସେଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା କରାଯାଇଥିତା ବେଲେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଥିତା ଯେନ୍ତାକି ସତୀ ପ୍ରଥା ଥିଲା ସତୀ ପ୍ରଥା ନୁ ସେମାନେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର କରୁଥିଲେ ସେଟା ପରେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ହେଇଥିତା ବେଲେ ସେଟା ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଖରାପ ସୃଷ୍ଟି ବା ଖରାପ ହେଇଥିତା ସେଟା ଲୋକଙ୍କର ଭିତରେ ନାଇଁ। ଯେନ୍ତାକି ଆଗ କାଳେ କାଣା ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ହଣାକଟା ରକ୍ତପାତ ହେଉଥିଲା ତାପରେ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଭେଦଭାବ ଜାତି ଧର୍ମ ଏସବୁ ଭେଦଭାବ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଇଛି ଆଗର ଅପେକ୍ଷା ନାଇଁ। ପ୍ରବର୍ତ୍ତକମାନେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରେମ ଶାନ୍ତି ଓ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କେମିତି ବିଶ୍ୱନୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବା ଲୋକମାନେ ଭଲସେ ରହିପାରିବେ ସେ ବିଷୟ ନୁ କେନ୍ମାନେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକମାନେ ସେ ବିଷୟ ନୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସତୀ ପ୍ରଥା ହଇଜା ବସନ୍ତ ହାଡ଼ପୁଠିରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୂଜା ଏଇଟା କଲେ ଆମକୁ ଭଲ ହେଇଯିବା ମେଡ଼ିସିନ୍ ନା ଖାଇକରି ଆମେ ପୂଜା କର୍ମା ଏନ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାହାଣୀ ଚିରୁଣି ସନ୍ଦେହ ନିର୍ଦ୍ଦୟତା ବଲି ପ୍ରଥା ରହିଥିଲା ହେଲା ତ ଏଇଟା କଲେ ଆମେ ଭଲ ହେଇଯିମା ଏସବୁ ଯେନ୍ତା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାହା ଧୀରେ 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 କାଣା ହେଇଗଲା ଅଜ୍ଞାନତାର ପରେ ପରେ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଆଉ ସେଇ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ କରାଗଲା ସେଇ ପ୍ରଥାମାନେ ଆଉ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଆଉ ଭଲସେ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା ଜିନିଷମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ତୁମର ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଇତିହାସକୁ ସଠିକ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କଲେ ଏହି ପ୍ରଥାର ଆରମ୍ଭ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ସହଜରେ ଜାଣିହେବା ନାଇଁ। ତ ଇତିହାସକୁ ସଠିକ୍ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟା କାଣା ରହିଛି
इतिहास को सठिक अनुध्या अनुध्या ओ पर्यालोचना कले तो पिला माने ये पॉइंट माने तुम्हार खाता नु लिखि दउ तो इटा हमर प्रश्नावली रो मध्य कुटे केते नंबर नंबर तुम जन रही छे आमे काहे की इतिहास जड़ीबा तीनटा कारण ने लेख बोल छे नंबर चेन नु ये पॉइंट माने हमकु लिखवार लगे पड़वा से तिले तुम्हार खाता नु इटा काना नोट कर दे थ अनुध्यान ओ पर्यालोचना कले एही प्रथार एही प्रथार आरंभ स्पष्ट होबा सह यार लक्ष्य उद्देश्य विषय रे उद्देश्य विषय रे सहज रे जानी हेबो इतिहास को सठिक अनुध्यान और पर्यालोचना कले यही प्रथार आरंभ स्पष्ट होगा सह यार लक्ष्य और उद्देश्य विषय सहजरे जानी हम जानवार लगे आम पाईपर मान तो इतिहास के आम केन्ता अनुध्यान करमा बर्तमान जिन जिनस रही है आम अतीतर जिनस गुड़िक अनुध्यान करतमान से जिनस गुड़िक परिचालित करमा आउ तार लक्ष्य व उद्देश्य आम जेनटा भी नहीं करी से कार्य करमा से भलसे परिपूर्णता पाई से विषय आम पहलू ध्यान देवा है तुम पंचम कारण अतीत भारत मानव सभ्यतार अग्रगति पृथ्वी रे अग्रणी नेता था आग काले क्या तो सभ्यतार उन्नति दिगरे से आम भारत आम देश पहलू थिला जाति धर्म वर्ण वैषम्य प्रभाव दिने दुर्बल हो पड़ा भारत वर्ष निकट भविष्य निजर ऐक्य सहमति द्वारा पुणी पृथ्वी नेतृत्व नेब के मध्यकालीन भूल को दोहर नहीं बा आग काले चिंता रही आम भारत से ही प्रकार रहा से कत दुर्बल हो पड़े नहीं तो समस्ते सेनु सामान भाव रे जाति धर्म वर्ण हो जाना हो आम ऐक्यटा से सब है आम सहतिटा सब हेल्ला गोटे रहा कि नेक्स्ट कण अच्छे तुम इटा सरीगला कि आम कहीं इतिहास पढ़ू तो आम क्या हेल्ले इतिहास पढ़मा यहाँ ये पॉइंट मैंने रही से आजेनटा बुझाली से भलसे पढ़व बहनु नेक्स्ट पॉइंट कण अच्छे तुम्हें किपर इतिहास को जान तुम्हें केन्थे इतिहास के जानब तो तुम्हें काना केन्थे इतिहास के जानी पार्ब नहीं तो तर हेडिंग कण किपर इतिहास को जानवा
किपरि इतिहास को आमे जानी पार्मा तो इतिहास केनथे जानमा सेटा आमकु देइछे। मनुष्य जाति पछरे 15 लक्ष वर्ष आगु बहुत वर्षर इतिहास रहिछे। 15 लक्ष भाबि पारुछ त केते होउछे जे, किंतु मनुष्य केभे लेखापढ़ा सिखला? मनुष्य लेखा पढ़ा सिखला 5000 वर्ष आगु ने, 5000 वर्ष आगु मनुष्य लेखा पढ़ा सिखला से नहीं तो आउ कौन कला लेखा आरंभ कला लेखा लेखबार्टा से आरंभ कला के 2500 वर्ष आगु से लेखबार आरंभ कला 2500 वर्ष आगु से सबु देशर लिखित इतिहास भाषा न थाई से सबु देश से प्रकार लेखा ना हो थाई न तो आउ ग्रीस देशर ऐतिहासिक किए थे से हेरोडोटस थिले। ग्रीस देशर ऐतिहासिक किए थे हेरोडोटस थिले से प्रथम ऐतिहासिक बोलिक आम विचार करुछु केवल देशर कथा से लिखि जाइछन तो से देशर केनता काना घटुतला से विषय हेरोडोटस विभिन्न रचनावली लिखि जाइछन तो अतीतर विषय आम भारत न मनीषी मैंने बहुत जिनस गुड़े करिछन जेनटा कि राज्य साधारण जनता है पात्र मंत्री कारीगर शिल्पी इमें काना जीवन तापर गाँ जंगल लोक मान जीवन गाथा के नहीं करी बहुते काव्य कविता छंद इनता रचना कहीछन जेनटा कि आमको सुनबार लगे बहुत भल लगसी है। राजा महाराजा मैंने केनता युद्ध करते कण करते से विषय में सुनबार लगे मिली छे है तो भारतीय मान जीवन प्रेरणार उत्स से बर्तमान रही आसीचे मनीषी मैंने जहाँ वर्णना कर यार कहानी आम मान स्मृतिपटर बर्तमान जीवंत हो रही आम से बर्तमान भी जानबार लगे पाऊ 3500 वर्ष तलर वेद उपनिषद आउ 2500 वर्ष तलर रामायण महाभारत ये सब कण इतिहास मान्यता पाई तो इतिहास में से सब विषय में वर्णना कराई आउ रही आ कल्हण कण लिखिचन राजतरंगिणी जेनटा कि आम भारत वर्ष प्रथम लिखित इतिहास बोली धराए सीटा पाने सर्ट क्वेश्चन आसी बहुत से मन रखिथ कल्हण कण लिखिचन राज तरंगिणी नहीं तो कल्हण कण रचना कर राज तरंगिणी जेनटा कि आम भारत वर्षर पहला लिखित इतिहास आउ काश्मीर रो प्राचीन राजवंश रे इतिहास पद्याकार रे लिखित यहाँ काश्मीर नु क्या भाषा में लिखा है पद्याकार रे रचना कराई आउ से रचना कालटा केते शताब्दी होता द्वादश शताब्दी से रचना कराई से समय रे काश्मीर विषय रे बहुत वर्णना से रही तार वर्णना रुष मैंने आउ भारत अन्यान्य स्थान घटना चरित्र यू मैंने वर्णित कराई बौद्ध धर्म द्वारा प्रभावित यही ब्राह्मण जनक के लाहौर राजवंशर राजा हर्षदेव राजसभा सदस्य थे से लाहौर राजवंश राजा हर्षदेव से सभार सदस्य मध्य रही थे नहीं पिता नाम कण थिला चंपक पिता नाम कण थिला चंपक है तो से सब सेन बर्तमान लिखाई आम से जानवार लगे पाईपर छुने बुझीगला राजतरंगीन गोटे कहानी टी अच्छे से राजा हर्षदेव राजसभा दले चाटुकार अमात्य कपटी अमात्य बोले कण से खराब प्रकृति लोक मैंने से रखुले विभिन्न प्रकार से राजा को कण करते शोषण करुले कि दिन पूर्व राजमाता मरी जाते राजमाता स्वर्ग अथा भाव में पड़छन बोलिक राजा को शोषण खबरटा दे गोटे कहानी टे राजा को धारणा से राजा नु कण बहुत पैसा से लुटी नहींगले धन नहीं गले थे आउ थे कण कले जन शिल्पी द्वारा गोटे सुंदर नारी चित्र
अंकन कराइला से दुष्ट औमत्य मैंने कर्णाटक राणी चित्र है बोलिक राजा आगे प्रदर्शन कले। राजा से सुंदर राणी के पैबार लगे बहुत इच्छा प्रकाश कले आ मैंने तो से चतुर अमात्य मैंने तो किसी प्लान करबे ना तो से अमात्य मैंने जड़े चतुर अमात्य प्रचुर धन ने से राणी को मनाइवाप कर्णाटक जाऊ से राजा को कहले। राजा भी सेनु हाँ कहीचन से अमात्य न फेरब राजा निजे बाहरी करपे गले से पलगला धन धन नहीं से ना फिर तो राजा तापर गले पुणी किसी अमात्य राजा को दे एक मीछ चिठी तापर गोटे राजा को गोटे चिठीटे पठागला मीछ चिठी सेटा थी से लिखाला खोदराणी राजा कथार राजी हो से काश्मीर आसुले से काश्मीर आसुले बोले सेन लिखाई बाटर अटकई जड़े अन्न जड़े राजा ताक आउ गए राजाटे सेनु अटके नहीं बोली सेनु लिखाई तेज से शीघ्र से जगानु हसी आसबे बोलिक सेनु लिखाई ना चिठी नहीं आसी राणी दुई तीन टा परिचारिका बा राणी जन थीसन दासी मैंने नहींक्रे राणी लिखिते से जड़े अप्सरा तांको परिचारिका मैंने पाखापाखी सुंदर से गोटे मीछ चिठी सीएत दिखाई से लिखाई राणी कहन कि मोरचा मान मुई तो बहुत अप्सरा है तो मोर दासी मैंने भी मोर प्रकार सुंदर रहीचन से राणी से पाइबार लगे आपात तो से पाई राजा सन्तुष्ट जदि हे बेले अल्प दिन मध्य गृहशत्रु मान द्वारा कहीं गले राजा निहत हो राजा मृत्यु हो गला। राजा से मीछ कथागुड़िक जेहेतु विश्वास करुले तो राजा सेतु इटा के लिखाई राजतरंगिणी रचना कराई कहानीटा है आउ कल्हणकर दुईज पूर्ववर्ती ऐतिहासिक थे क्या क्या ना तक ना सुब्रत आउ हेमेन्द्र से इरा इटा भी सर्ट क्वेश्चन कल्हणकर दुईटा ऐतिहासिक थे ना क्या क्या ना सुब्रत आउ हेमेन्द्र इटा भी सर्ट क्वेश्चन आसी मन रखब। ऊनविंश शताब्दी इंग्रेज मान द्वारा आधुनिक भारत इतिहास लिखवार लगे बहुत प्रचेषा कराई ना बहुत प्रचेषा कराई और ऐतिहासिक उपादान मान जेनता कि अतीत लेखा आगु कण कण लिखाई है हाथ हथियार पुराणा मुद्रा लोकगल्प मटी पात्र विदेशी पर्यटक मानकर बरणी ये सब सेनु ऐतिहासिक वस्तु भाव रही किन जगानु से आमर ऐतिहास ऊनविंश शताब्दी जेनटा रही से सबू आमे नेक्स्ट क्लास में से पढ़मा अतीत लेखा आउ अतीतर हाथ हथियार ये सब विषय आम गल्प ये सब बहुत रही आम नेक्स्ट क्लास में डिस्कसन करमा तो आम जितकी पढ़ना आम से भितर तुमको असाइनमेंट क्वेश्चन दे दौछे तुम्हें करी पठाव। तो तुम असाइनमेंट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट रहा फर्स्ट पढ़ला कि आम कहले इतिहास जानमा आम कहीं इतिहास जानवा दुईटा कारण लिखब। आमे कहीं इतिहास जानवा पांचटा कारण मैं तुमको पढ़ाली से भितर तुम इन दुईटा कारण दु नंबर क्वेश्चन हूँ ग्रीस देशर प्रथम ऐतिहासिक किए ग्रीस देशर
ପ୍ରଥମ ଐତିହାସିକ କିଏ? ତିନି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ତୁମା କହ୍ନଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଐତିହାସିକ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ଥିଲେ? କହ୍ନଙ୍କ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଐତିହାସିକ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ହଁ ପିଲାବେଳେ ତୁମର ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଇଗଲା, ତୁମେ ଏଟାକେ କରି କରି ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍କେ ପଠେଇଦେବ। ଆଜି ଏତିକି ପଢ଼ିଥାଉ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ବାକିଟା ପଢ଼୍ମା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।